अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कोई अच्छे हैं। तो आज मैं जा रही हूँ मम्मी के वहाँ पे, और आप सबको आखिरी जुम्मा मुबारक। तो मम्मी आज मम्मी ने सुबह से बुलाई थी, पर सुबह से नहीं जा पाई तो थोड़ा लेट हो चुका है। तो दोपहर के टाइम मैं जा रही हूँ, और शाम के टाइम में जुबिया सब कोई आएगी। मैं आ चुकी हूँ मम्मी के वहाँ। आने के बाद मैं थोड़ा सा नहा के आई थी, फिर यहाँ पे आके भी मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ। और सारा भी नहाई है, तैमूर भी नहा के सब फ्रेश हो चुका है। और तैमूर देखिए थोड़ा गिन गिन कर रहा है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइस मैं शरबत बनाओगी? बोलो। बोल रही है अभी इफ्तारी बनाया जाएगा तो वो शरबत बनाएगी। तभी काटेंगे, तभी मुर्गी पालन करेंगे। हाँ, सब काम करेगी मेरा बच्चा, काम करेंगे। ठीक है, तुम सब काम कर देना, ड्रेस पहनेंगे। हाँ ठीक है, ओके ओके। गाइस मैं बात कर रही हूँ तो मैं सुधा रानी बोल रही है, मुझे भी बात करना है, मुझे भी बात करना है। वो कुछ बोलेगी। गाइस यहाँ पर देखिए सब फल बन के रख चुका है। मैं यहाँ पे सलाद बना ली, यहाँ पे फल काटी हूँ। अनिशा बना रही है गाइस शरबत। देखिए यहाँ पे लस्सी बना चुकी है, मैं बनाई हूँ। सिद्रा उठ गई है गाइस, छोटी खाला उसका कर रही है चोटी। अरसलान तुम ठीक हो? बेचारे का हालत खराब हो रहा है गरीबी में। क्या है आमिर, सलाम कर दो। मम्मी बैठी हुई है यहाँ पे, अनिशा है। अनिशा हाय कर दो, सलाम कर दो। वालेकुम अस्सलाम। इस गर्मी में हालत खराब हो रही है हम लोग का। देखिए हम लोग सब बैठ के काम कर रहे हैं, अभी हम लोग बहुत बिजी हैं। यहाँ पे प्याज को देखिए नमक दे के रख दी हूँ, अब मैं बनाऊंगी प्याजी। और अभी बनेगा दाल बड़ा, तो ये दाल भीगा हुआ है, ये दोनों का दाल बड़ा बनाऊंगी। तो मैं झट से सब मिक्स कर दूँ। गाइस यहाँ पे मैं प्याजी के लिए सब बना के रख दी हूँ, अब मैं तलूंगी। ये नाश्ता बाहर से आया है, देखिए पंचराज आलू चॉप और बहुत सी माशाल्लाह। देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत सा मेरा प्याजी हुई है। एक्चुअली ये दाल बड़ा के साथ मैं प्याजी बनाई हूँ, दाल बड़ा देके, दाल देकर दाल बड़ा की हूँ। थोड़ा प्याज दी हूँ क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे हाफिज जी लोग आ गए हैं, दिखाती हूँ करने के लिए। गाइस यहाँ पर अभी दुआ हो रहा है। अभी नाश्ता कर रहे हैं सब, खा रहे सब। छोटी आंटी नमाज पढ़ रही है, अम्मी सब गुस्सा रही है। गाइस मैं थक गई हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ लेट कर। बहुत खा ली, जो जो खाना छोड़ा है सबका नाश्ता मैं ही की हूँ, जो जो फल छोड़ा है सबका फल मैं खाई हूँ। मतलब डस्टबिन हो गई मैं खा खा के, बहुत खा ली इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट ले रही हूँ। उसके बाद जाऊँगी नीचे आंटी के घर। फल और शरबत पे हालत ख़राब हो चुका है मेरा, मगर मैं घूघनी सलाद कुछ भी नहीं खाई, सिर्फ फल और शरबत खा के अपना पेट भरी हूँ। पता नहीं क्यों इतना उठता, तो नाश्ता करी हूँ फल खाई हूँ, बाकी जो बच्चे छोड़ रहे बड़े छोड़ रहे सबका भी खा ले रही हूँ। मतलब आज इतना भूख बढ़ चुका था मेरा, हद से ज़्यादा फल खा लिया है। बहुत ज़्यादा मैं ये लस्सी पी ली, 3 गिलास लस्सी पी हूँ, 2 गिलास शरबत पी हूँ। पी पी के एकदम मेरा पेट हाउसफुल हो चुका है और ताकत नहीं है, इसलिए बहुत खाना पीना हो गया है। गाइस इस तरह का खाना पीना नहीं करती हूँ, मगर फर्स्ट टाइम मैं खा ली, खा के पछता रही हूँ क्यों खाई। कोई बात नहीं, रात में कुछ नहीं खाऊंगी, हल्का फुल्का कुछ खा लूँगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं नीचे चले जाऊँ इतना खाने के बाद,
सोना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं जा रही हूँ आंटी के घर से घूर के आती हूँ। ठीक है मम्मी जान, ऊपर देखिए मेरी तरफ, बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी, इतना अच्छा नाश्ता खिलाए, इतना अच्छा दावत दिए, सब ठीक है। किस लिए दिए ये तो बता दीजिए। वो जो पाया छोड़ दिया, जो खा खा के मेरा हालत खराब हो गया है। मम्मी किसका किस लिए दावत दिए थे बोल दीजिए। दावत था मेरी समदिन का, बरसी था, आज मौलवी लोग का सब मौलाना लोग को रोजा खुलाई का दावत था, कुरान खाने भी की, इसके चलते चमचा लोग को भी बुला लिया। क्या बोल रही हो, हम लोग चमचा है मम्मी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए माँ, बेटी लोग को चमचा नहीं बोलना चाहिए। बुला लिया, ओ चमचा, तो मैं चमचा हूँ। ओके देखिए फैमिली, मेरी मम्मी मुझे चमचा बोल रही है, वो आंटी ने खाई, छोटी आंटी, मम्मी मुझे चमचा बना दी है, बोलिए। नहीं आऊंगी मैं तो, बोलेगी क्यों नहीं आ रही हो, आती हूँ तो जो तो बोलती है। मम्मी मैं जा रही हूँ नीचे, अल्लाह हाफिज, भाग जाऊँ, रहने से काम बोलेगी, इसके लिए मैं तल जा रही हूँ नीचे, करूँगी, ऐसा बात नहीं है बाद में। गाइस देखें यहाँ पे बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं, सिद्रा मस्ती कर, मैमूल भी यहाँ पे मस्ती कर रहा है बहुत, सब कोई खेल रहे हैं। कौन है यहाँ पे? बिरयानी आ चुका है और मेरे हस्बैंड जी अभी खोलेंगे। माशाल्लाह देखिए खाना कितना लजीज हुई है, खाना बहुत अच्छे तरीके से निकल रहा है, मेरे हस्बैंड जी देख काट रहे। बिरयानी का जायका बहुत अच्छा आया है, खुशबू बहुत अच्छा। गाइस यहाँ पे लड्डू आया है, सब लड्डू देने के लिए, और खाना सबको बांट दिया गया है फॉइल में करके। तुम लोगों को कैसा बना है खाना? बहुत अच्छा बना है। आज बहुत गर्मी है गाइस, अरसलान रहने नहीं सक रहा गर्मी में, उसका हालत खराब हो जा रहा है, इसलिए पंजाबी खोल चुका है। बिरयानी का शक्ल माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, और ऊपर से तैमूर खा रहा है गोश्त ले लेकर। आमिर बताओ कैसा बना खाना? बहुत स्वादिष्ट बना बिरयानी। और बच्चे लोग भी उठ गए ऊपर में, इतना गर्मी में आ नहीं सक रहे नीचे बैठ के खाने। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा लगा, तुम लोग आई, बहुत प्यार दी, बहुत काम की, बहुत भाई के साथ खेली। अभी नहीं जाएगी, थोड़ी देर बाद जाएगी, थोड़ी देर बाद जाऊंगी। सिद्रा हाय कर दो और बोल दो हाय गाइस, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बोल दो। गाइस तैमूर रेडी हो चुका है घर जाने के लिए। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं निकल रही हूँ अपने घर के लिए। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलूंगी नए एक ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज। तैमूर अल्लाह हाफिज कर दो, अल्लाह हाफिज।